नमस्कार दोस्तों, आदिवासी जागरूक युवा समाचार में आप सभी का स्वागत है। और आज अभी मैं आया हुआ हूँ उदयपुर जिले की कोटड़ा तहसील की मेरपुर पंचायत में। और मेरपुर पंचायत की अभी मैं सबसे ऊंची पहाड़ी पर हूँ, और इस ऊंची पहाड़ी पर एक मंदिर है जो कि मैं आपको थोड़ी देर में दिखाने वाला हूँ, जिस मंदिर का नाम है लोहारी माता का मंदिर। आइए मैं आपको दिखाता हूँ लोहारी माता का मंदिर। जैसा कि आप देख रहे होंगे, ये लोहारी माता का मंदिर अभी नया बन रहा है, और इसी तरफ एक इसकी ध्वजा है जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और आप इसे देख सकते हैं कि इस मंदिर के एक साइड में आप जो ध्वजा देख रहे हैं वो ध्वजा है। और यहाँ पर लोग गर्मी के टाइम में आते हैं और यहाँ पर दर्शन करते हैं। और साथ ही साथ में मैं आपको बता दूँ कि इस पहाड़ी पर आने के लिए बहुत सारी पहाड़ियों को पार करना पड़ता है, और ये पहाड़ियाँ जो है वो मैं आपको दिखाता हूँ। मेरपुर जो पंचायत केंद्र है वहाँ से लेकर, ये पूरा कैमरा मैं जैसे घुमाऊँगा आपको पूरा नज़ारा दिख सकता है। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ये पूरी पहाड़ी क्षेत्र है, और नीचे नदी भी बह रही है, और उस नदी को पार करते हुए हम यहाँ तक पहुँचे। और जैसा कि सुबह का माहौल है, और इस जगह पर बहुत सारे लोग इस वजह से नहीं आ पाते क्योंकि यहाँ की जो चढ़ाई है वो काफ़ी ज़्यादा है। मैं आपको थोड़ा सा कैमरा और जूम करके दिखाऊँ तो यहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, और ये देखा जा सकता है कि इस जगह को अगर और भी सीधा किया जा सके, रास्ता ठीक किया जाए, तो काफ़ी सारे लोग आ सकते हैं। तो फिलहाल मैं अभी यहाँ पहुँचा था लोहारी माता मंदिर, जो कि एक ऊंची पहाड़ी पर है मीरपुर की, और ख़ास तौर पर रिसर्च के लिए आया था, तो बहुत ही अच्छा लगा। हालांकि आपको भी अगर टाइम मिले तो इस बार जब भी आपको समय मिलता है गर्मियों की छुट्टियों में आइएगा ज़रूर। हालांकि अभी बरसात का मौसम है, इस बरसात के मौसम में यहाँ पर आने में काफ़ी तकलीफ़ तो हुई। आते समय थोड़ा सा एक क्या कहूँ, पैर फिसलने से गिरा भी था, बट इतनी ज़्यादा चोट नहीं पहुँची। हाथ में थोड़ा सा क्या बताओ, खून तो निकला, बट इतना भी ज़्यादा नहीं। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ का बहुत ही सुंदर नज़ारा है, और मैं पूरा कैमरा घुमाता हूँ ताकि आपको पूरा यहाँ का नज़ारा दिख सके। तो आप देख रहे हैं कि ये चारों ओर पहाड़ियाँ हैं, और ये जो मंदिर है वो एक बहुत ही बड़ी पहाड़ी पर है। तो इसी के साथ अब मैं आपसे अनुमति लेता हूँ, और आप इसी तरह आपके अपने दोस्त विनोद के साथ आदिवासी जागरूक युवा समाचार में बने रहिएगा, ताकि आपको बहुत सारी नई नई जगह पर घुमाया जा सके। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इस वीडियो को और भी लोगों तक पहुँचाओ ताकि मीरपुर की लोहारी माता का दर्शन या फिर लोहारी माता के इस जगह की सबको जानकारी मिल सके। हालांकि एक चीज़ छूट रही है, मैं चाहता हूं कि मैं उस जगह पर भी लेके चलूं जो इस मंदिर का पुराना स्थल भी हम कह सकते हैं, जो यहां पर बनाया हुआ है, जिसको हमने पहले देखा था। आइए मैं उस जगह पर आपको लेके चलता हूं फिलहाल। हालांकि आप सोच रहे होंगे कि विनोद पहले तो अनुमति ले रहा था और वापस कहाँ घुमाने के लेके जा रहा है। दोस्तों, ये घुमाने की बात नहीं है, बात ऐसी है कि कोई भी चीज़ छूटनी नहीं चाहिए, क्योंकि कुछ दोस्त यहाँ तक आ सकते हैं, कुछ लोग नहीं आ सकते। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर ये पूरा स्थान बना हुआ है, और इस स्थान पर आकर लोग पूजा अर्चना करते हैं, अपनी कोई मन्नत होती है उसको भी पूरी करने की कोशिश करते हैं। तो इसे आप कैमरे में देख रहे होंगे, और इसी के साथ अब मुझे तो दीजिए अनुमति, क्योंकि ज़्यादा समय हो जाएगा तो काफ़ी दोस्त अपना काम भी नहीं कर पाएंगे। तो फिलहाल आप इसी तरह बने रहिएगा अपने अपने दोस्त विनोद के साथ आदिवासी जागरूक युवा समाचार में, और तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।